नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है जीके स्टडी। और आज हम बात करेंगे पुलिस, जो भी पुलिस की मैंने कल एक वीडियो डाली थी, रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट जो भी निकली है पुलिस की, एचपी पुलिस की, तो उसके सिलेबस के बारे में, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और किस टाइप से आता है, ठीक है। हालांकि मैंने क्वेश्चन पेपर ऐड नहीं किया है, उसकी वीडियो मैं एक दो दिन में बताऊंगा, बट मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से क्वेश्चन पेपर आता है। तो जो भी बताऊंगा वो मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को पसंद आए, ठीक है। तो जिसको पसंद आता है फॉलो कीजिए, नहीं पसंद आता है तो आप जैसे भी पढ़ रहे हो, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उस वे से कीजिए, ठीक है, आप ज़रूर क्लियर करोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कल की वीडियो में भी लिखा था, अगर आपने उसका थंबनेल देखा होगा, कि प्लस टू पास, जो भी प्लस टू पास कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि जो अभी प्लस टू पास करके निकले हैं, और अगर उनकी 18 एज है, ठीक है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि वो इस जॉब को, गवर्नमेंट जॉब है, ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो भी है, और कोई भी है, अगर ग्रेजुएशन किया है, जिसका इंटरेस्ट है पुलिस में, वो इसको कर सकता है, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन कमेंट आए थे वीडियो के ऊपर, ठीक है, तो जो कॉमन सी जो क्वेश्चन है उनके पहले मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक है, कि पहली बात की एज कितनी है, तो एज 18 है, ठीक है, 18 से 23 जनरल के लिए और 18 से 25 अदर कैटेगरी के लिए, और बाकी जो होम गार्ड वगैरह होते हैं 18 to 28 होती है उनकी, ठीक है, वो अलग है। तो ये हुआ एज की बात, ठीक है। फिर बात है दूसरी, ग्राउंड, बहुतों ने पूछा था कि ग्राउंड के मार्क्स कितने हैं, तो ग्राउंड के कोई नंबर नहीं है, ठीक है, कोई एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। मान लीजिए अगर 4 मीटर की जंप है, ठीक है, तो आप 4 मीटर मारोगे तो भी आप क्वालिफाई हो, अगर आप 5 मीटर मारोगे तो भी आप क्वालिफाई हो, चाहे आप 6 मीटर मारो, ठीक है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। क्वालिफाई करने, आप एक बार में बस क्वालिफाई करो, चाहे आप पहली बार में करो चाहे दूसरी बार में करो, अगर 3 अटैम्प्ट हैं हाई जंप में, ठीक है, तो आप चाहे पहली में करो, दूसरी में करो, तीसरी में करो, ठीक है, आप क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। ऐसी रेस का है, आप पहले पे आओ, दूसरे पे आओ, चाहे लास्ट आओ, ठीक है, आप रिटर्न में बैठोगे, पहले वाला भी रिटर्न में बैठेगा, लास्ट वाला भी रिटर्न में बैठेगा, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि आप लास्ट आते हो कि फर्स्ट आते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट और फर्स्ट का कोई सीन है ही नहीं, ठीक है। बस आपकी जो टाइमिंग दी गई है और जो अटैम्प्ट दी गई है, मान लो अगर 6 मिनट 30 सेकेंड टाइमिंग दी है, तो उसके अंदर अंदर आपने उस रेस को क्लियर करना है, ठीक है। और अगर 3 अटैम्प्ट दिए है, तो आपको मिनिमम मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट में उसको क्लियर करना है। तो ये है मेन जो चीज़ है यहाँ पर करने वाली, ठीक है, कोई नंबर नहीं है मार्क्स के। हाँ, हाइट के नंबर ज़रूर होते हैं, अगर आप हाइट हैं तो 5 फुट 7 इंच और 5 फुट 8 इंच के बीच में जिनकी हाइट, उनको 1 मार्क्स मिलता है, उससे ऊपर 2 फिर 3 4 5 6 7 5 सॉरी मैक्सिमम 5 तक है, 5 फुट 11 इंच तक, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा जब भी मैं क्वेश्चन पेपर की वीडियो डालूंगा प्रीवियस की, एचपी पुलिस के, तो उसके बारे में मैं आपको हाइट के बारे में वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। बट आप हाइट की बात को छोड़िए, ठीक है, आप तैयारी ग्राउंड की रखिए पहले, तो क्योंकि ग्राउंड पहले होता है, आपको उसको क्वालिफाई जरूर होना चाहिए, मेरिट में आने की आपको कुछ नहीं, ऐसे नहीं है कि आप बहुत लंबी रेस चाहिए आपको, ठीक है, बस क्वालिफाई के लिए अपनी प्रैक्टिस रखिए, और फिर मेन है रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न जो है रिटर्न, और हाँ एक और, ड्राइवर की एज, जो सबकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्लस टू है, तो प्लस टू पास आप होने चाहिए, तो इसीलिए तभी आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी। अब बात करते हैं रिटर्न की, तो रिटर्न जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स हैं जो 80 80 मार्क्स का आता है, ठीक है, पेपर 80 मार्क्स का आता है, ठीक है, पर्सनल आई थिंक 20 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, ठीक है, बाकी वो पर्सनल तो बाद की बात है, पहले आपका मेन है जो मेरिट में आना ज़रूरी है, ठीक है, मेरिट में अगर आप आते हो तभी आप पर्सनल में जाते हो, ठीक है, वो बात की आप तब सोचना, ठीक है, पहले आपको मेरिट में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कम होता है, ठीक है, कंपटीशन इसमें भी ज़्यादा होता है, तो 80 मार्क्स है, ठीक है। अब 80 मार्क्स का टोटल पेपर है, तो और जो डिवाइड है इसमें, वो पहला है जैसे कि इंग्लिश, फिर हमारे पास आ गया हिंदी, ठीक है, फिर हमारे पास आया मैथ्स, और फिर हमारे पास आया रीजनिंग, और एक और आया हमारे पास साइंस, ठीक है। तो ये है जो मेन सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है और साइंस है, ठीक है, और आएंगे सारों से, ऐसा नहीं है कि किसी से नहीं आएंगे, ये आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। कईयों के पास प्रीवियस क्वेश्चन भी, पेपर भी होंगे, तो वो देख सकते हैं उठा के, कि इनमें से ज़रूर पूछा जाता है,
ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दूसरे एग्ज़ाम्स में, अब एचपी में दूसरे एग्ज़ाम्स भी होते हैं ठीक है, और इनमें क्या है कि दूसरे एग्ज़ाम्स में पता होता है कि कौन से चैप्टर से कितने आने हैं ठीक है। अगर आपको पता होगा कि इंग्लिश से इतने आएंगे ठीक है, हिंदी से इतने आएंगे, मैथ्स से इतने आएंगे, रीजनिंग से, साइंस से, तो इसमें कोई पता नहीं रहता है कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे ठीक है। तो आप 80 को डिवाइड कर लीजिए ठीक है, 5 पार्ट में ठीक है। तो उस हिसाब से तैयारी करके चलिए कि किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आपको किस चीज़ में से क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप अपनी तैयारी रखें ग्राउंड के साथ साथ। अगर आप सीरियस हैं इस जॉब के लिए, अगर आप पुलिस में कांस्टेबल के पद पर जाना चाहते हैं या भर्ती होना चाहते हैं ठीक है, तो अगर आप सीरियस हैं, प्लस टू वाले खासकर जो प्लस टू करके निकले उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ठीक है, तो अगर वो चाहते हैं तो प्लीज़ ग्राउंड के साथ अपनी रिटर्न की भी तैयारी रखिए अभी से ही ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे पहले मैं ग्राउंड निकालूंगा फिर मैं रिटर्न की तैयारी करूंगा, तो बहुत कम टाइम मिलेगा, 1 मंथ से भी कई बार कम मिलता है, तो 1 मंथ भी मान लीजिए जाए, 1 मंथ में कुछ नहीं होगा ठीक है। क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे ऐसे ऐसे भी बैठते हैं जो पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं ठीक है, तो आप समझ सकते हो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको पहले से ही तैयारी रखनी होगी। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमारे पास आते हैं जैसे कि टेंसेज। टेंसेज के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना होगा ठीक है, एंटोनियम सिनोनियम ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम को छोड़िए ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक बार पहले भी वीडियो में बताया था जब मैं केसीसी बैंक के लिए इंग्लिश के लिए बना रहा था सिलेबस के लिए, कि एंटोनियम सिनोनियम इतने सारे हैं कि आप सारे नहीं पढ़ सकते ठीक है, तो उनको छोड़िए, उन पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, टेंसेस पे ध्यान दीजिए ठीक है, और क्या बोलते प्रेपोजिशन पे ध्यान दीजिए ठीक है। स्पेलिंग कॉरेक्शन भी आती है, पिछली बार जो पेपर था उसमें आ रही थी एल्युमिनियम की स्पेलिंग कॉरेक्शन, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ मुझे याद है एल्युमिनियम की स्पेलिंग कॉरेक्शन आई हुई थी ठीक है। टेंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब बेसिक जनरल, ज़्यादा आप हार्ड भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा एग्जाम, बट ये है कि अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आपके लिए हार्ड है वो ठीक है। तो टेंसेज हो गए, प्रेपोजिशन होगी ठीक है, प्रेपोजिशंस के बाद एंटोनियम सिनोनियम हो गए ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं ठीक है। कॉरेक्शन, सेंटेंस कॉरेक्शन क्या आ जाते हैं और प्रेपोजिशन क्या आते हैं ठीक है, तो मेनली यही है ठीक है। मॉडल्स हो गए ठीक है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप के ज़्यादा आते हैं कि आपको एक ऑप्शन में से छाड़ना है ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है ठीक है, तो इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है कि आपके मार्क्स कटेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करके चलिए ठीक है। बात करते हैं हिंदी की, हिंदी में आपको जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं समास ठीक है, समास के बाद संधि विच्छेद ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई तुक्के मार रहा हूँ यहाँ बैठ के कि आएगा कि नहीं आएगा, इनमें से ज़रूर आता है हिंदी के जो मैं बोल रहा हूँ और इंग्लिश के जो मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ जिनमें से आता है, पर्टिकुलर पक्का आएगा। तो समास, संधि विच्छेद और मुहावरे ठीक है, इन तीनों में से क्वेश्चन पक्का आता है, कई बार 2 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं ठीक है। बाकी आप हिंदी के और भी पढ़िए ठीक है, जैसे कि व्याकरण से रिलेटेड संज्ञा सर्वनाम ठीक है, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा। देखिए कुछ इसमें पर्टिकुलर नहीं दिया गया है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसलिए पढ़ के तो आपको सब कुछ चलना पड़ेगा। मैथ की बात करें तो इसमें वही क्वेश्चन कि जनरल क्वेश्चन ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है, टाइम एंड वर्क ठीक है, और ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आएंगे ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपकी थोड़ी भी प्रैक्टिस है या आप थोड़ा भी बेस क्लियर है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग ठीक है, ब्लड रिलेशन इसमें पूछा जाता है, और नंबर सीरीज, नंबर सीरीज ठीक है, नंबर सीरीज होगी एक, ब्लड रिलेशन हो गया और कोडिंग डिकोडिंग ठीक है। तो ये पूछा जाता है मेनली रीजनिंग के सेक्शन में, और मैथ के में मैंने आपको बता दिया है ठीक है कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया ठीक है। और बाकी मैं आपके लिए बहुत जल्द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की वीडियो एक डाल दूंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, विद आंसर डालूंगा ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जरूरी नहीं बेस उन पर, मत अगर मैंने क्वेश्चन पेपर डाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाओ कि ऐसा ही आएगा ठीक है। क्वेश्चन पेपर चेंज होते रहते हैं ठीक है, उनका कोई पता नहीं है किस पार्ट से क्या डाल दें ठीक है। और साइंस, साइंस क्या है, साइंस से आता है, साइंस से रिलेटेड पिछली बार आया था कि एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसकी जो डिस्टेंस होता है, आई डिस्टेंस बुक पढ़ने का, वो कितना होता है, तो इस प्रकार के जनरल क्वेश्चन होते हैं वो उस टाइप के पूछे जाते हैं ठीक है। कौन सी रिएक्शन, रिएक्शंस के बारे में पूछा जाता है कि एक अगर ये कोई
चीज़ हो रही है, तो इसके पीछे किस रिएक्शन का कारण है, ठीक है। तो आप इतना भी इजीली मत समझ के चलिए, ठीक है, और करंट अफेयर को ज़रूर पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन करंट अफेयर से, दो एक क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का, तो नहीं था जैसे जिस टाइप से कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, ठीक है, जीव मिल्खा सिंह, ठीक है, तो एथलीट दिया हुआ था नीचे, ठीक है, गोल्फ दिया हुआ था, बेसबॉल, इस टाइप के चार ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है, दो ही याद है मुझे बेसिकली कि गोल्फ और वो दिया हुआ था एथलीट। तो जीव मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह, तो मोस्टली कैंडिडेट ने क्या किया कि मिल्खा सिंह है, तो बस आंख बंद करी और एथलीट, ठीक है। अब क्या था, उन्होंने आगे ये नहीं देखा कि जीव, जीव भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो जीव मिल्खा सिंह जो रिलेटेड है वो गोल्फ से रिलेटेड है। तो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे, मैक्सिमम बच्चे किस पे टिक करेंगे, ठीक है, तो आपको भी उसी तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। 80 नंबर का पेपर आया तो 80 नंबर के हिसाब से तैयारी कीजिए। हिस्ट्री हिमाचल में अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, हिमाचल से भी पूछा जाता है, ठीक है, पिछली बार जो आया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा, हिमाचल में जो है वो ऊपर ऊपर से पढ़िए, ठीक है, मेन मेन, ठीक है, हिस्ट्री में घुस मत घुसना, ठीक है, हिस्ट्री का आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ झीलें नदियाँ ये ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, यही पूछा जाता है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा, ठीक है, हिमाचल में सबसे बड़े और जो जो गवर्नर, जो अभी भी गवर्नर बने हैं या कुछ भी, कोई भी लोकायुक्त नियुक्त हुआ है, ठीक है, तो सब कुछ पढ़ के चलिएगा, ठीक है, बट मेन मेन, ठीक है, अंदर डीपली जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके बहुत से फ्रेंड भर रहे होंगे, उनको भी हेल्प करेगी, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना था, मैंने आपको सिलेबस बताना था ताकि आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकें, ठीक है, प्रिपरेशन शुरू कीजिए, थोड़े दिनों बाद मैं क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगा, उस हिसाब से फिर आप तैयारी अच्छे से कर लेना, ठीक है, और ग्राउंड की भी अपनी तैयारी साथ साथ रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।